व्लादिमीर पुतिन के पूर्वी यूक्रेन में सेना भेजने के बाद अमेरिका समेत पश्चिमी देश रूस के खिलाफ हमलावर हैं। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई। नाटो देश अब प्रतिबंध लगाने के विचार कर रहे हैं। इस बीच विशेषज्ञ क्या कहते हैं? विशेषज्ञों का कहना है कि पुतिन के लिए यूक्रेन ठीक उसी की तरह है जैसे भारत के लिए उसकी पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान का निर्माण। इनका कहना है कि अमेरिका ने 198 साल पुराने मुनरो सिद्धांत का पालन करते हुए अपने आसपास एक भी शत्रु राष्ट्र नहीं पैदा होने दिया। वहीं वो खुद रूस के खिलाफ उसके पड़ोसी देश यूक्रेन को अरबों डॉलर का हथियार दे रहा है। यूक्रेन संकट पर रक्षा मामलों के नामचीन विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने ट्वीट किया है। ब्रह्मा चेलानी के ट्वीट को देखें तो ये समझ में आता है कि उन्होंने किस तरीके से इस पूरी बात को या फिर कह लें कि इस पूरे मुद्दे को समझाने की कोशिश की है। उन्होंने लिखा है, पुतिन जो कह रहे हैं वो एक तरह से ये है कि रूस अपनी पश्चिमी और दक्षिणी सीमा पर एक पाकिस्तान के निर्माण को सहन नहीं करेगा, जहां चीन अब वैश्विक ताकत के रूप में अमेरिका की जगह ले रहा है। वहीं रूस अपने पड़ोस में अपनी सुरक्षा चिंताओं को दूर करने पर फोकस कर रहा है। रूस की इन चिंताओं को अमेरिका को जरूर शांत करना होगा। इसलिए ये संकट नाटो की अग्रिम नीति को लेकर है, जिसके बारे में साल 1994 में तत्कालीन रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन ने चेतावनी दी थी। कहा था कि वो यूरोप को एक बार फिर से बांट देगा। यूक्रेन में पुतिन वही रोकने की कोशिश कर रहे हैं जैसे 1950 के दशक से अमेरिका ने भारत की सीमा पर हमारे शत्रु पाकिस्तान को सीटो और सेंटो का सदस्य बनाकर किया था। सवाल यह है कि सीटो और सेंटो है क्या? अमेरिका ने 1950 के दशक में सोवियत संघ को घेरने के लिए सीटो और सेंटो का गठबंधन का गठन किया। पाकिस्तान इसका सदस्य था, जहां भारत ने गुट निरपेक्ष नीति का पालन किया था। सीटो और सेंटो बनने के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को कई घातक हथियार दिए थे जिसे उसने भारत के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल किया था। सीटो का मतलब है दक्षिण एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सेंटो का मतलब है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आपको बता दें कि पुतिन ने यूक्रेन के दो विद्रोही इलाकों को मान्यता देकर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहानसी इलाके में बड़े पैमाने पर पहुंच गई है। पुतिन के इस कदम के बाद अब संयुक्त राष्ट्र में आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें रूस के कदम की आलोचना हुई है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।